सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस में कोशिशें जारी हैं। सीनियर लीडर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर कोई संकट न आए, मगर पार्टी का एक धड़ा ये भी मान रहा है कि पायलट के नखरे दरअसल समय काटने की एक जुगत है, ताकि बागी विधायकों की लिस्ट और लंबी की जा सके। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि फिलहाल भले ही पायलट के पास पर्याप्त संख्या बल ना हो, मगर वो बीजेपी की मदद से गहलोत के खिलाफ खेमाबंदी कर सकते हैं। ऐसा करके वो राजनीतिक संकट के बीच बागी विधायकों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। सोमवार को विधायक दल की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने विक्ट्री का निशान दिखाकर जीत का दावा किया, लेकिन पायलट खेमा इसे खारिज कर रहा है और साफ कह रहा है कि गहलोत के पास बहुमत नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल समेत वरिष्ठ नेताओं ने पायलट को फोन कर उनसे बात की और जयपुर लौटने को कहा, लेकिन पायलट ने भी साफ कह दिया कि जब तक उन्हें सारी बातों पर जवाब नहीं मिल जाता, वो दिल्ली नहीं छोड़ने वाले। जो विधायक दल की बैठक में नहीं आए, आप लोगों ने मांग की है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसी कोई मांग आई नहीं। सुरजेवाला जी ने ये बात कही, वेणुगोपाल जी ने ये बात कही, अविनाश जी पांडे ने ये बात कही कि अगर हमारे कोई साथी कहीं दूर बैठे हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी और बातचीत के जरिए उनको वापस साथ लाने की बात ये चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी पार्टी के साथी अगर कहीं पे भी हैं, आज यहाँ मौजूद नहीं हमारे बीच में, वो यहाँ पे आएंगे और हमारे साथ इस पार्टी को फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार को मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं को लग रहा है कि शायद पायलट की कुछ ज्यादा ही मनुहार की जा रही है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पायलट ने भले ही 30 विधायकों के साथ होने का दावा किया, मगर उनके पास 21 से ज्यादा विधायक नहीं है। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि पायलट बीजेपी के साथ डील कर चुके हैं। हालांकि पायलट खेमा ऐसे किसी डील से इनकार कर रहा है। पायलट खेमे के वरिष्ठ विधायक हेमा राम चौधरी ने कहा कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। चौधरी ने कहा कि वे अपनी डिमांड पर अड़िग हैं और जयपुर में नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस के हित में है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कांग्रेस और पायलट के बीच कोई समझौता हो पाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी नेतृत्व पर इस बात को ध्यान में रखने का दबाव है कि पायलट ने बीजेपी के साथ गलबहियां की और सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर पार्टी पायलट जैसे युवा चेहरे को खोना भी नहीं चाहती। पार्टी को इस बात का भी एहसास है कि पायलट के बिना गहलोत भले ही सरकार बचा ले जाएं, लेकिन बचा कार्यकाल वो चैन से नहीं गुजार पाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।